हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कौल एंड आई एम फ्रॉम फिएस्टा ट्रैवल्स। आज मैंने एक यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ कि जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, जिसके आप मुझसे जो बोलना चाहते हैं कमेंट्स में आप मुझे लिख के दे सकते हैं। बेसिकली मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ एक छोटा सा ये है कि मतलब पॉजिटिव कैसे हम रह सकते हैं इस कोरोना के अंदर, या हम नेगेटिव को कैसे अपने से दूर कर सकते हैं इस कोरोना के अंदर। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हर जगह व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे हमें नेगेटिवनेस दिखती जा रही है कि हर जगह क्या नेगेटिव चल रहा है, कितने केसेस बढ़े। ऑल दो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें थोड़ा अपडेट रहना चाहिए, बट अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले। थोड़ा सा मैं आप लोगों से यही डिस्कस करने आया हूँ कि कैसे इसको हम आगे कर सकते हैं या कैसे नहीं कर सकते। तो आज ये मेरा पहला लाइव सेशन होगा, मतलब लाइव सेशन इन द सेंस कि मतलब मैं फर्स्ट अपनी लाइव वीडियो दूंगा आप लोगों को, अपनी खुद की वीडियो दूंगा रादर देन किसी और प्रोडक्ट की वीडियो के अलावा। तो आई थिंक होप यू लाइक इट और आप इसको इंजॉय करेंगे। अभी जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी इकॉनमी डाउन है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। आप जैसे जानते हैं कि हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा इकॉनमी में हम हो रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें क्या ना करें। सबको पता है क्या करना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज अपने को करते रहना है, हाइजीन रखना है अपने घर को, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, बाहर नहीं जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलना, कोरोना पेशेंट्स जितने भी आपके हॉस्पिटल्स के एरिया है या जितने भी आपके थोड़े अनहाइजीनिक एरिया उससे थोड़ा दूर रहिए। आरोग्य सेतु ऐप डालिए अपने मोबाइल में ताकि कि आप देख सकते हैं कि आप कितने लेवल पे सेफ़ है या कितने लेवल पे सेफ़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको अपडेट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्मी भी बहुत हो गई तो घर में रहिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस समय की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए कि आपको कोरोना तो नहीं हुआ बट भगवान ना करे आपको कोई और प्रॉब्लम हो गई मेडिकल, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो अननेसेसरी का प्रॉब्लम है। तो ये एक महीना, दो महीने, तीन महीने, जितने भी हमें ये थोड़े डिफ़िकल्ट टाइम्स हमारे पास, तो हमें इसमें अपने को सेफ़ रखना है, थोड़ा सा सुरक्षित रहना है, ताकि और अपने को साथ साथ अपने घर वालों को सुरक्षित रखना है। हर चीज़ को हमें ध्यान देना है, हर चीज़ पे हमें ध्यान देना है। सो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम मतलब क्या कर सकते हैं। अभी मैंने देखा है काफ़ी लोग ट्रैवल्स, जैसे आई बिलोंग टू ट्रैवल फर्टिनिटी, तो मैं ट्रैवल के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि मैं ट्रैवल फर्टिनिटी से हूँ, पर साइड बाई साइड में दूसरे बारे में भी बोलूँगा। तो मैंने जैसे कि देखा कि आजकल के ट्रैवल के जो लोग हैं, जो ट्रैवल्स ग्रुप है, ट्रैवल के जो व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं, जितने भी ये सब चल रहे हैं, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि ये मतलब काफ़ी नेगेटिवनेस मुझे आ रही है, काफ़ी पॉजिटिवनेस देखने को नहीं मिल रही है। आज से 6 महीने पहले मुझे प्री परचेज की डील आती थी और अपने स्पेशल रेट्स आते थे, अपनी स्पेशल ब्लॉकिंग्स आती थी, किस रेट पे क्या ऑफ़र डील अवेलेबल है, या तो काफ़ी पॉजिटिवनेस थी। आज वही सारे मैसेज देखने को मैं तरस रहा हूँ कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा और कब आएगा, बट नहीं आ रहा। बट हाँ, ये आ रहा है कि कोरोना के कितने केस हो गए, इंडियन गवर्नमेंट ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट या XYZ गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया, मैं देखने को मिल रहा हूँ। बट मैं इस चीज़ से आई नो कि उन्होंने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया या पर्सनली आपके बैंक में कोई पैसा नहीं आया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट इस चीज़ को भी आप कुछ हद तक पॉजिटिव ले जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव लेने से अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप नेगेटिव होइए, बट अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव लेने से कोई आपका नुकसान हो रहा है या पॉजिटिव लेने से आपका फ़ायदा होता है, देन ट्राई टू मेक यू नो ट्राई टू स्टैंड ऑन अ पॉजिटिव साइड। कि नेगेटिव से कोई फ़ायदा नहीं, देन ट्राई टू स्टैंड ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो थोड़ा बहुत मैंने अपना आज कंटेंट लिखा है जो मैं आपको बताऊंगा, जो मतलब हार्डली 5 मिनट के अंदर मैं अपना पूरा कंटेंट खत्म कर दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्या होता है कि कोरोना है, 6 मंथ्स ट्रैवल इंडस्ट्री डाउन है, काफ़ी इंडस्ट्री डाउन है, रिटेल इंडस्ट्री डाउन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डाउन है, ठीक है, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट इस सोर्स ऑफ इनकम के अंदर हम कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो मतलब एक छोटी सी वीडियो के अंदर कि जैसे कि एक टेक एन एग्जांपल कि सपोज़ कीजिए आप एक बिज़नेस चला रहे हैं आज 6 महीने पहले, ट्रैवल बिज़नेस, रिटेल बिज़नेस, ग्रॉसरी शॉप, एनीथिंग, चाइना मार्केट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट साइड बाय साइड आपका एक और प्लान है कि मतलब मेरे को एक और सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए या मेरे पास एक और एक वे ऑफ अर्निंग एक और होनी चाहिए कि जो मेरा एक सपना है। बट आप चूँकि कोरोना के पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप पहले इतने बिजी थे कि आप उस साइड बाय साइड वाले बिज़नेस को आपने काफ़ी टाइम नहीं दे पाए, या आपने उस चीज़ को नहीं समझे, या आप उस फोकस नहीं कर पाए, तो आप उस पे आप कैसे फोकस करोगे। तो यही टाइम है आपके पास यही करने के लिए, क्योंकि नेगेटिवनेस लेने के लिए बहुत टाइम है, पर पॉजिटिवनेस भी होना चाहिए। जो भी आपका एक सपना था कि मतलब जब आपका बिज़नेस अच्छा सेटअप था, जब आपका बिज़नेस अच्छा रन कर रहा था, जो भी आपका एक सपना था, एक सपना होता है सबका कि भैया अगर मेरा ट्रैवल काम है तो मेरा सपना था कि मेरी अपनी रिटेल की शॉप हो, या मेरा ट्रैवल का वो था बिज़नेस है तो मतलब मेरा सपना था कि मेरे एक ऑनलाइन बिज़नेस हो, ई कॉमर्स साइट हो। सो अब
ये टाइम हमें मिला है कि जिसमें हम अपने घर पे है, जिसमें हम अपने अपने गैजेट्स को, अपने जो लैपटॉप है, अपने इंटरनेट को लेके, मतलब आपके पास एक इतना तगड़ा हथियार है इंटरनेट और लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल, इतना अच्छा हथियार है कि आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। तो मतलब आप आज कुछ भी कर सकते हो जो आप करना चाहते थे। तो ये 6 महीने आप कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से कभी भी आपको एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। रादर देन आप उस, आपके पास दो सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में आप हमेशा फोकस करते हो, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम एक ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपने एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट किया या आपने एक उसको ब्रांड बना लिया, देन वो आपको एक हद तक आपको रिवर्ट, आपको मतलब आपको वापस आपको पैसा आ रहा है आपका उसका, या कुछ आ रहा है जैसे इंश्योरेंस इनकम हो गई, आपकी रिटेल शॉप हो गई, साइड बाय साइड शॉप हो गई। मतलब प्राइमरी इनकम को हमेशा फोकस करते रहना चाहिए, पर सेकेंडरी इनकम पे भी फोकस करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने सेकेंडरी इनकम पे फोकस किया था जो कोरोना के टाइम पे इस मुश्किल समय पे अपने घर का सर्वाइवल कर रहे हैं। जिसने नहीं किया था वो इस समय कोरोना को कोस रहा है या ट्रैवल इंडस्ट्री को कोस रहा है कि हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है। आई नो इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, बट इसमें हमने कुछ नहीं किया या किसी एक ह्यूमन बींग से नहीं हुआ। इट इज़ अ नेचुरल कैलामिटी, ये एक बीमारी है जो सबको, पूरा वर्ल्ड को इफेक्ट कर गई है। तो ये हमारी एक गलती थी कि हमने, जब हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम था, तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम जब एक था और हमने वक्त रहते हुए उस सोर्स ऑफ इनकम से अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाई। ये हमारी गलती थी, ये कोरोना की गलती नहीं थी, ये इंडियन गवर्नमेंट की गलती नहीं थी। किसी ने आपको दूसरा काम करने से नहीं रोका, किसी ने भी आपको दूसरी सोर्स ऑफ इनकम करने से नहीं रोका। ये आपकी गलती थी, ये हमारी गलती नहीं थी। तो इस चीज़ को आज अब भी वक्त है, ताकि आप पुराना वक्त कोसते हो कि काश उस समय मैंने वो दूसरा काम कर लिया होता, तो आज भी आप कर सकते हो वो दूसरा काम। ताकि आज से 4 महीने बाद आप ये ना बोलो कि जब कोरोना के टाइम पे मुझे वर्क फ्रॉम होम का टाइम मिला था तो मैं घर पे था, तब मैं ये शायद ये काम कर लेता। तो मे बी आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ज्वाइन कर सकते हो कि आप अपना कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए अपना प्लान बनाओ कि आपने क्या सोचा है। जो सोचा है उसको एक जगह नोट डाउन करो। यस, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि इंसान के अंदर, और खासकर हम इंडियंस के अंदर, एक खासियत होती है जिसको आप लोग खासियत भी कहते हैं और हम लोग बुराई भी कह सकते हैं, या हम लोग आप लोग बुराई कहते हो और हम लोग खासियत भी कह सकते हैं। इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है इंसान के अंदर, कि इंसान के अंदर आइडियाज़ बहुत आते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। ये आप सबके साथ होता होगा, सबके साथ नहीं तो 70% लोगों के साथ होता, मेरे साथ होता है, कि उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो आइडिया आता है, अपने रेगुलर काम में आदमी लगता है और वो आइडिया यहाँ से निकल जाता है। फिर अगेन 2 हफ्ते बाद दोबारा वो आइडिया झंझाड़ता है और वो करता है। जैसे कि ट्रैवल लाइन में हो तो कई लोग सोचते हैं जो B2B में है, उनके पास कई बार आइडिया होगा, यार मैं B2C सेक्शन खोल दूँ क्योंकि प्रॉफिट बहुत होता है, पेमेंट अपफ्रंट आती है। या B2C वाले सोचते होंगे, यार प्रॉफिट तो आ रहा है पर बल्क में बुकिंग्स नहीं आ रही, तो मैं क्यों ना B2B सेक्शन खोल लूँ। या जैसे जो क्रूजेस करते, जैसे मैं क्रूजेस करता हूँ, या जो खाली पैकेजेस करते हैं, उन्होंने भी सोचा होगा, यार हम दूसरे डिपार्टमेंट भी खोल लेते हैं, पर वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता 70% केसेस में। रीज़न ये होता है कि उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसको नोट डाउन नहीं करते। जहाँ पे भी आप एक चीज़ देखिए, स्कूल में भी जब टीचर साहब आपको पढ़ाती है, स्कूल की 12th क्लास तक या कॉलेज तक जब आप पढ़ते हो, तो आपको एक नोटबुक ज़रूर खरीदनी पड़ती है, क्योंकि नोटबुक में आपको लिखना पड़ता है उस चीज़ को। तो लिखा हुआ हमेशा आपको याद रहता है कि आपने क्या लिखा था और आपको क्या करना है। यही बच्चों से हमें सीखना चाहिए। आप सबके घर में बच्चे होंगे या बच्चे आपके आसपास में कोई बच्चे होंगे, तो बच्चों के स्कूल से डिसिप्लिन सीखना चाहिए हमें अपने काम के लिए। चाहे आपका अपना काम हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कुछ भी, मतलब किसी भी फील्ड में हो, बट आपको डिसिप्लिन हमेशा बच्चों से सीखना चाहिए कि सुबह उठना चाहिए। सुबह बच्चे उठते स्कूल जाने के लिए, ऑल्दो उनको प्रॉब्लम होती है, बट ये चीज़ आपको पता है उनके बेनिफिट के लिए, पर वो चीज़ हम अपने नहीं अपनाते। हम नहीं अपनाते, सुबह नहीं उठते, आराम से जल्दी उठते, लॉकडाउन में आराम से उठ रहे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, अपना किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे। हम बच्चों को समझाते हैं अर्ली टू बेड की मतलब में जाना चाहिए और अर्ली टू वेक होना चाहिए, बट इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, बट हम वो चीज़ नहीं अपनाते। तो ब्रादर देन इस चीज़ को अपनाना चाहिए। तो जो भी आपका एक प्लान है उसको नोट करो, उसको लिखो, उसके बाद उसकी आउटलाइन बनाओ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे और क्या क्या चीज़ें मेरे पास इस समय अवेलेबल है। आपके पास जो पुराना काम है उससे क्या क्या चीज़ें आप जोड़ सकते हो। फिर उसके बाद उसके डूज और डोंट्स बनाओ कि इसमें क्या चीज़ें मुझे डालनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, कि इसमें मेरा क्या मतलब मैं प्रोडक्ट डालता हूँ या क्या नहीं डालता। फिर उसके बाद उसका देखिए कि आप उसके नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, कि अगर मैं ये करूँगा तो इतना लॉस होता है, ये करूँगा तो इतना पॉजिटिव, क्योंकि हर बिज़नेस के, हर साइड बाय साइड चीज़ के, किसी भी चीज़ के एक नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। मेरे इस वीडियो के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होंगे। जो उसको पॉजिटिव मिलेगा पॉजिटिव है, जो नेगेटिव मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। कईयों को लगेगा बहुत लंबी वीडियो बनाई है, इतनी कौन देखे, ये हो गया नेगेटिवनेस। कईयों को लगेगा यार चल ठीक है, सुनते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है, क्या नहीं बोल रहा, क्या बोलना चाहता है। 15 मिनट देते हैं, आज मूवी देखते हैं हम,
किसी भी प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, एनफ्लिक्स पे या हॉटस्टार पे देखते हैं, तो दो दो घंटे की मूवी देख के हम कुछ सीखते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से 10-15 मैंने शुरू में बोला 8 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, पर ये 10 मिनट की पहुंच चुकी है ऑलरेडी और ये 15-16 मिनट तक जाएगी, मुझे भी नहीं पता तो ये कैसे लंबी जा रही है, क्योंकि आपसे बातें करते करते मैं 10 चीज़ें और बोल रहा हूँ, अपने अंदर की बातें बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अब इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हो, तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एक पार्ट होता है, आप उसको देखिए। और उसके बाद मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और जो आपके क्लोज होते हैं उनसे हमेशा अपनी राय लीजिए और राय दीजिए अपनी, क्योंकि आप एक फील्ड में जाना चाहते हो, कोई दूसरी फील्ड का उसके बारे में पूछे, क्योंकि आप सोचते हो कि यार ये तो दूसरी फील्ड का है, ये मुझे क्या राय देगा, पर ध्यान रखना आपका कस्टमर हमेशा दूसरी फील्ड का ही होता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ट्रैवल का बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपका कस्टमर ट्रैवल नहीं, रिटेल वाला, इलेक्ट्रीशियन, ग्रॉसरी शॉप का ऑनर, एक शोरूम का मालिक होगा, तो इसलिए आप उनकी राय लीजिए कि वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या करना चाहते हैं या उनकी क्या डिमांड है। क्योंकि कई बार हम लोग शर्म करते हैं कि अपने डिस्कस करने में ये करते, तो पहले ये चीज़ छोड़िए, फ्रेंड्स फैमिली से डिस्कस कीजिए कि भाई मैंने ये चीज़ की है, या मतलब पापा मैंने ये चीज़ की है, मम्मी मैंने ये चीज़ की है, चाचा अंकल आंटी से अंकल मैंने ये चीज़ किया, आप मुझे बताइए क्या कर, तो आपको कुछ इनपुट्स देंगे, 10 इनपुट्स लीजिए, 5 शॉर्टलिस्ट कीजिए, 5 पे इम्प्लीमेंट कीजिए, देखिए। और हाँ, डू इट नाउ का फॉर्मूला बनाइए, जो सोचा उसको करो, जो सोचा उसको करोगे तो करोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे। हर चीज़ कामयाब नहीं होती, हर मैच जीता नहीं जा सकता, इवन डॉक्टर्स भी बीमार पड़ते हैं, ध्यान रखना डॉक्टर्स भी बीमार पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश नहीं करोगे। डू इट योरसेल्फ, प्लान सोचा, पॉइंट किया, नोट डाउन किया, डिस्कस किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ढूंढे, पॉजिटिव पॉइंट को प्लस किया, नेगेटिव पॉइंट्स को दूर किया, नेगेटिव पॉइंट माइंड में लेके चला कि क्या गलतियां नहीं करनी जिससे हमारा ये नुकसान हो जाए, देन हो जाएगा। इस पे एक्सपेंसेस कितने होंगे, इस पे इनकम कितनी होगी, ये सब चीज़ें आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर बिजनेस जो फेल होते हैं उसके रीज़न यही होता है कि वो प्रॉपर स्ट्रेटजी से नहीं खुलते। वो क्या होता है, एक किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, एक मतलब मेरे एग्जांपल में अगर किसी के यहाँ जॉब कर रहा हूँ किसी भी फील्ड में, मैंने 1 साल देखा हो बहुत अच्छी इनकम है, क्यों ना मैं इस बिज़नेस में कूद जाऊँ, मैं कूद गया तो हुआ क्या, जो एग्जिस्टिंग मेरा बॉस था उसका बिज़नेस भी मैंने डाइवर्ट कर दिया लो रेट पे देके, और जो मेरा बिज़नेस है वो भी मैंने लो रेट पे, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम है तो मैं किसी भी मार्जिन पे काम कर जाऊँगा, बट हाँ मेरे बॉस के पास एक शोरूम है उसको मार्जिन पे काम करना है, तो क्या होगा, बिज़नेस दोनों का हिल जाएगा। तो इसी के लिए बिज़नेस, अगर आप कोई भी तरह का बिज़नेस, कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए ही चाहिए। बिना प्रॉपर स्ट्रेटजी के आप बिज़नेस नहीं कर सकते। आपको उसके एक्सपेंसेस, आपको उसकी इनकम, आपको उसके पॉइंट्स, आपको उसकी कितने टाइम बाद आप इनकम अर्न कर सकते हो, क्योंकि कोई भी बिज़नेस नहीं देगा। आज सब आप मैं सब बुलेट चलाना चाहते हैं, पर बुलेट की खासियत होती है वो धीरे धीरे गर्म होती है, जब वो चलती है रोड पे तो 5-6 मिनट बाद वो स्पीड पकड़ती है, बट हम यामा RX 100 चाहते हैं कि जो भुर्र करके चलाई और जुर्र करके भाग गई, गलियों में भाग गई। इसीलिए लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडी विंस ऑलवेज रेस। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि धीरे और सीधे चलने वाला आदमी, कंटिन्यू चलने वाला आदमी हमेशा जीतेगा, हमेशा जीतेगा, वो कभी नहीं हारेगा, क्योंकि उसने अपना फोकस कर रखा है। तो आप कोई भी बिज़नेस कीजिए तो किसी का रिजल्ट 1 महीने में आएगा, किसी का रिजल्ट 1 साल में आएगा, डिपेंड ऑन बिजनेस। ऐसा नहीं है कि हर बड़े बिज़नेस का रिजल्ट थोड़ा देर से आएगा, छोटे बिज़नेस का रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा। आप ये देखिए आपको उस बिज़नेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ये देखिए उस बिज़नेस में आपको कितनी मैन पावर चाहिए, और वो मैन पावर आप क्या अरेंज कर सकते, क्या आपके कुछ नोन में है, या आपका कोई फ्रेंड उस चीज़ का मास्टर है तो आप उसको अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकते। कई लोगों को पार्टनरशिप पसंद है, कई लोगों को पार्टनरशिप नहीं पसंद, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं पार्टनरशिप जल्दी टूट जाती है, बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर पार्टनर आपका लॉयल हो तो पार्टनरशिप कभी नहीं टूटती। ध्यान रखना, आप एक इंसान हैं, आप मशीन नहीं हैं, आपके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप हर काम नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखना, आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं, आप हर काम नहीं कर सकते। हर काम के लिए एक बंदा होता है, आप उसको चाहे डेली बेसिस पे रखिए या पार्टनर बनाइए या इन्वेस्टर रखिए या कुछ रखिए, तो हर बिज़नेस का अलग अलग होता है। वो हम आगे कुछ टाइम बाद कुछ नई वीडियोस में बताएंगे कि कैसे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। सो एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम पे आप रहिए। एक्टिव इनकम होती है कि जो आपका प्रोडक्ट है आपने उसको बेचा, और एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ 6 महीने बाद की, लॉकडाउन की। एक्टिव बिजनेस हो गया कि आपने एक आलू का एक आलू एक सब्ज़ी का ठेला लगाया
और उसमें आपने आलू रखे, प्याज रखे, टमाटर रखे, आपने आलू बेचा 60 रुपीज़ किलो के हिसाब से आपने ख़रीदा, 80 रुपीज़ किलो के हिसाब से आपने बेच दिया, और दिन में 5 किलो आलू बेच दिए तो आपने 100 रुपीज़ कमा लिया। ये हो गया आपका एक्टिव इनकम। साइड बाई साइड क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, जो हम लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, धनिया रखते हैं, हरी मिर्च रखते हैं। तो होता क्या है कि जो एक आदमी सब्जी लेने आया तो वो आलू में आपसे नेगोशिएट करेगा, टमाटर में आपसे नेगोशिएट करेगा कि साथ वाले दुकान वाले इतना दे रहे, पर वो धनिया और पुदीना और हरी मिर्च में कभी नेगोशिएट नहीं करेगा। तो वो एक पाव धनिया दे दो या आधा किलो अदरक दे दो, इसमें कभी नेगोशिएट नहीं करेगा वो आपसे। जब उसने आलू ले लिए तो वो धनिया और पुदीना आपसे लेगा ही लेगा उसी रेट पे, क्योंकि वो धनिया पुदीना के लिए दूसरे पास नहीं जाएगा। तो डेट इज़ कॉल्ड योर पैसिव इनकम, कि साइड बाय साइड अगर आपको उसी प्रोडक्ट में से कोई और मतलब तरीके से इनकम आ रही है, वो अब जैसे हम ट्रैवल्स के काम करते हैं तो काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो एक क्लाइंट आता है उनके पास और उनसे सिर्फ और सिर्फ पैकेज बनवाते हैं, एयर टिकट बुक करते हैं उसकी, और उसका वहाँ पे पैकेज के अंदर एकोमोडेशन, रिटर्न एयरपोर्ट ट्रांसफर, टूर्स एंड ट्रांसफर, SIC प्राइवेट, वो अलग बात है, होटल 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, फ्लाइट कौन सी देनी है वो अलग है, और पैकेज बना के लेट टेक एन एग्जांपल दुबई का पैकेज बना के 1,20,000 पर पर्सन का दे दिया, जिसके अंदर उसका प्रॉफिट 15,000 रुपीज़ था। बट इसके अलावा भी कुछ इनकम्स होती है कि उसने उसको फोर्स किया कि सर वाई डिड यू टेक फॉरेक्स विद अस, आप फॉरेक्स लीजिए हमसे, सर आप हमसे ये ट्रैवल जो एक मल्टी करेंसी कार्ड आता है, फॉरेक्स कार्ड आता है, आप वो लीजिए हमसे, सर आप क्यों ना हमारा मेंबर बन जाइए, आप अगर हमारे मेंबर बन जाएंगे तो नेक्स्ट जो भी आपका पैकेज आएगा, जो भी नेक्स्ट पैकेज आएगा आपका, उसमें हम आपको इमीडिएटली 10% का डिस्काउंट देंगे जो हमारे ऑलरेडी वेबसाइट का प्राइस है। आप देखिए अगर 120 का पैकेज है, 115% आप 15,000 आपकी अर्निंग है, तो नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर है कि आप उसको क्या प्राइस देते हैं, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो आप 15% 5% 2% का डिस्काउंट देते हैं, या नेक्स्ट सर आप अगर हमारे साथ 3 बार जाते हैं किसी भी जगह पे, तो नेक्स्ट टाइम हम आपका कॉम्प्लीमेंट्री फ्री अपग्रेड करते हैं ऑन हायर कैटेगरी एक होटल में किसी भी। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप पैसिव इनकम करते हो, कि कई बार आप क्या करते हो कि आपने पैकेज भेज दिया, तो सडनली लेट टेक एन एग्जाम्पल अगर मैं दुबई का लेता हूँ, आपने दुबई का पैकेज बुक किया क्लाइंट का, उसको कॉस्टिंग दी 1,10,000 की, उसने ओके कर दी, सब कुछ हो गया, अब ट्रैवल डेट में 10 दिन है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि सर देयर आर मोर प्लेसेस, आपके पास 2 दिन खाली है, आप चाहो तो इसको भी एक बार एक मतलब अंदर देख सकते हो क्या है क्या नहीं है, अगर आपको लगता है तो ठीक है। तो क्लाइंट कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट दिखाएगा कि हाँ यार मुझे ये वाला दुबई फ्रेम दे दो, तो कितने का, आप उसमें आराम से $5-6 रख सकते हो जो आप नॉर्मली नहीं रखते हो। तो इससे आप पैसिव इनकम करते हो। जैसे हमारे काफ़ी सारे मैं देखता हूँ भाई लोगों की मोबाइल की शॉप है, तो वो क्या करते हैं, मोबाइल आया सैमसंग का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, लावा का मोबाइल, ज़ियाओमी का मोबाइल, एप्पल आईफोन देते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं। बट कई लोगों ने क्या किया, उसके साथ उसकी एसेसरीज रखनी शुरू कर दी, चलो हम मोबाइल तो हमारी इनकम थी, साइड बाई साइड एसेसरीज भी, क्योंकि हमारे पास एक शॉप है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अपनी शॉप को यूज़ नहीं करते, हम लोग एक जगह ऐसे घोड़े की तरह चलते हैं जो गलत है, उसने शॉप यूज़ किया। पर कईयों ने और समझदारी का काम किया, उसने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप भी अंदर खोल दी कि सर अगर आपका पुराना मोबाइल ख़राब हो तो हम ठीक करते हैं, क्योंकि जब कोई बंदा नया मोबाइल लेने आता है तो पुराना मोबाइल उसका ख़राब हुआ होता है, तो लोग नया मोबाइल लेने का तो फोकस आते हैं, नया मोबाइल तो लेते हैं पर साइड बाई साइड अपना पुराना फ़ोन भी ठीक कराते हैं फॉर एन एमरजेंसी पर्पस। कई लोगों ने रिफर्बिश मोबाइल की भी शॉप खोल दी कि सर वी हैव टू कॉलम फॉर न्यू एंड रिफर्बिश, रिफर्बिश में हम सारा प्रोडक्ट नया देते हैं, 1 ईयर की वारंटी देते हैं, हमारी गारंटी है, और न्यू तो है ही हमारे पास, रिफर्बिश भी, क्योंकि हर तरह 2 तरह के क्लाइंट आता है, कुछ नया लेने आते हैं, कुछ पुराना लेते हैं, तो कई लोग छोड़ देते हैं ऐसे कस्टमर, नो सर वी ओनली डील इन न्यू मोबाइल्स, कई लोग होते हैं कि नहीं सर हमारे पास रिफर्बिश मोबाइल का अलग काउंटर है, आप उधर जाइए, ये हमारा न्यू मोबाइल्स का काउंटर है। तो ये अब आपके ऊपर होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि रिफर्बिश खोलती है आपका काम चल जाए। अब इसके अंदर भी नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट होंगे तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब ये होता है इस वीडियो का कि ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को, बहुत लंबी हो गई है वैसे, फिर भी मैं बोलूँगा ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ 1.5 मिनट की और बात बोलूँगा कि मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का मतलब है कि आप कभी भी सरकार या किसी और सीनियर अथॉरिटी से उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि 6 महीने पहले वो आपके बिहाफ पे ऑफिस नहीं गए थे, आप जाते थे। 6 महीने पहले अपने घर के लिए खाना वाना आप कमाते थे, वो नहीं कमाते थे। अगेन किसी ने भी हमें काम करने से नहीं रोका। वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है घर से काम करो, पर काम करो, डेली के रूटीन्स के काम करो। आप क्यों अपना काम छोड़ रहे हो, क्यों आप अपना टेंशन में जा रहे हो कि मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ कुछ काम कीजिए। हर चीज़ के नए काम होते हैं, क्या क्या काम आप कर सकते हो, क्या क्या काम नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर है। कुछ लोग बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं तो वो ड्राइंग में जाना चाहते हैं कि चलो मैं अपनी क्रिएटिव आर्ट एक गैलरी बनाता हूँ। कुछ लोग जॉब करते पर ड्राइंग अच्छी करते हैं तो वो जाना चाहते हैं। कुछ लोग अपना कुकिंग अच्छे करते पर जॉब करते तो वो कुकिंग शो खोल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर काम से आप इनकम अर्न करो, कुछ काम आपको एक फेमस होने का मौका भी देते हैं। तो ध्यान रखना, ये लॉकडाउन का पीरियड के अंदर आपके पास बहुत टाइम है आराम करने का। आराम करने के लिए आफ्टर 50-55 ईयर इतना पैसा कमा लो कि आराम से बैठ के खाओ,
तो अभी वो टाइम है, लॉकडाउन को यूज़ करो, वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम आपका ये वापस नहीं आएगा, ये डेट दोबारा नहीं आएगी, तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिवनेस ढूंढो। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो मेरा चैनल है फिएस्टा ट्रैवल्स, मेरी कंपनी का नाम है, मैं उसमें ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब, और इसको शेयर भी कर सकते हो ताकि ज़्यादा लोग देख के पॉजिटिव दे। थैंक यू।